हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूँ सुनील कुमावत और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से लॉ ऑफ डीएमयू। तो क्या है लॉ ऑफ डीएमयू, कैसे शेड्यूल बनाएं, कैसे डायग्राम बनाएं और क्या चीज़ है ये, तो समझते हैं और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू वाले टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, 2 साल पहले की बात है वो, लेकिन काफ़ी अच्छा मैंने मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन दिया है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया है। तो वो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं और ज़रूर एक बार देखें। शायद ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वीडियो हो जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। खैर, तो आप देखें कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, सीधे हम लॉ ऑफ डीएमयू पर ही जंप कर रहे हैं। आगे 2-4 चीज़ें और भी बची है तो हमें पढ़ना रहेगी, लेकिन हम बात करते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू का फुल फॉर्म है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब घटती हुई मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, ये दो वर्ड आपको सुनने को आ रहे होंगे, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी मींस व्हाट। देखिए, यूटिलिटी, अब आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो किस चीज़ के लिए परचेस कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं क्योंकि आप उसको खरीदना चाहते हैं, आपकी वांट्स जो है, आपकी वांट्स को वो सेटिस्फाई कर सके। तो जो किसी भी चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उस वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, उस वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी। और इसको हम जो है काउंट भी कर सकते हैं, तो इसको हम काउंट करते हैं यूटिल्स में, है ना। जैसे कि किसी चीज़ की वजन का जो है हम किलो में काउंट करते हैं, है ना। कोई जो है वाटर वगैरह है तो, या मिल्क है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है लीटर में काउंट करेंगे। इसी तरीके से यूटिलिटी को भी काउंट किया जा सकता है, और यूटिलिटी को एक्सप्रेस करना हो नंबर में तो हम यूटिल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो यूटिलिटी से आपको समझ में आया, यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब मार्जिनल वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? मार्जिनल वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे कि हमें कोई एक चीज़ हम मान लीजिए हम परचेस की हमने, तो उससे हमें मान लीजिए यूटिलिटी जो मिली, टोटल यूटिलिटी मिली मान लीजिए 10 मिली, और 2 हमने परचेस की, तो 2 से टोटल यूटिलिटी जो हमको मिली वो मान लेते हैं कि हमको मिली 18। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 8। तो ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेक्स्ट, जैसे पहले एक पर तो आपको 10 हो गया, और दूसरे पर कितना हुआ? दूसरे पर हुआ 8 का। तो मार्जिन का मतलब है 2 टोटल के बीच का डिफरेंस, या फिर जो नेक्स्ट यूनिट है उससे कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, या उससे कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक। तो ये पर यूनिट का यदि कैलकुलेशन देखें तो वहाँ पर हम मार्जिन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि पर यूनिट आप जो है कंजम्पशन बढ़ने से यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि ये पहले ये लॉ ऐसा बोल रहा है कि देर इज अ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है, वो कम होती है। यही मुद्दे की बात है कि डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग होती है, वो कम होती है। यही लॉ है। द लॉ ऑफ डीएमयू सेज, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट देर इज एस बी इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, देर इज अ डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी। हम जैसे जैसे किसी चीज़ का कंजप्शन बढ़ाएंगे, हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। हमें उस चीज़ को खाने की, या हम बोले कि उस चीज़ को कंज्यूम करने की जो इच्छा है ना, वो इच्छा कम होती जाएगी। ऐसा ये लॉ बोल रहा है, और ऐसा इन जनरल ऐसा होता भी। देखिए, आप कोई चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको मैंने गुलाब जामुन दिए, है ना, गुलाब जामुन आप खा रहे हैं, तो गुलाब जामुन आपके सामने आए तो पहला गुलाब जामुन की तो बड़ी इच्छा होगी, खा लूँ, है कि नहीं। तो आपकी उसको कंज्यूम करने की इच्छा ज़्यादा है, पर दूसरे पे थोड़ी सी इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरे पे और थोड़ी आपकी इच्छा कम हो जाएगी, अभी भी इच्छा जरूर है कि खा लें,
और खाने से मज़े भी बढ़ेंगे आपके, ओवर टोटल यूटिलिटी जो है आपकी वो बढ़ रही है। पर लेकिन जो पहले वाले की बात थी उसकी बात अलग ही थी, जो पहला वाला जो खाया, दूसरा वाला खाया तो पहले वाले के कंपेयर में इच्छा कम है, तीसरा वाला गुलाब जामुन आप खाएं तो दूसरे वाले से इच्छा आपकी कम है, चौथे वाले पे इच्छा और कम हो जाएगी। अब चार गुलाब जामुन खाने के बाद में पांचवा आपके सामने रखा जाए तो हो सकता है आप खा ले, लेकिन इच्छा आपकी कम होगी। अरे नहीं नहीं बस बहुत हो गया, चार हो गया यार, मीठा मीठा ज़्यादा हो गया है ना। फिर छठा और ऑफर किया जाए आपको तो अरे नहीं 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 बस 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 बस। सातवां और ऑफर किया जाए आपको, अरे नहीं नहीं बस अब तो मैं खाऊंगा जी। फिर भी आठवां गुलाब जामुन आपकी थाली में कोई जबरदस्ती रख जाए, नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा जाजी, आपको खाना पड़ेगा, तो आपको खाना पड़ेगा। अब ऐसा उसने बोला तब क्या होगा, तब जो है आपकी इच्छा जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, अब तो खाना ही नहीं। फिर अगर कोई आगे रख दिया तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, उठा जा भैया नहीं नहीं खाना मुझे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाना है, चल लेके जा। मतलब आप उस आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, बिल्कुल माइनस हो गई, राइट है। तो ऐसी यही बात हमने समझना है, यही बात हमें समझना है कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कर रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है कंज्यूमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा है कि वो पहला गुलाब जामुन खाने की इच्छा तो ज़्यादा रहती है, दूसरे की इच्छा कम, तीसरे की इच्छा और कम, चौथे की और कम, पांचवे की और कम, और छठे की और कम, सातवें की और कम, आठवें की और कम, और दसवें की तो बिल्कुल जीरो, और ग्यारहवें की तो बिल्कुल माइनस में चल जाएगी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम 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 होते हुए जीरो नेगेटिव तक भी हो जाती है, यदि कॉन्स्टेंटली। अब उसके अपने कुछ अंजप्शंस हैं कि कॉन्स्टेंटली वही चीज़ होना चाहिए। हम गुलाब जामुन की ही बात कर रहे हैं, गुलाब जामुन खाते वक्त यदि बीच में आपको नमकीन दे दे तो उसकी इच्छा रहेगी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई एक ही चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उसके साइज से वगैरह इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया हो, वही गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन ही मिल रहा है आपको, है ना। एक मावा बाटी रख दे तो उसकी बात अलग हो जाएगी, है ना। फिर तो आपके बदले बस एक ही खाएंगे और आपका जो यूटिलिटी वहीं की वहीं रुक जाएगी आपकी, बस हो गया। तो कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशन ये है कि वो कॉन्स्टेंट हो जो है आपका कंजम्पशन होना चाहिए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए आपके लिए। मान लीजिए आप होटल में जाके खा भी रहे हैं तो आपके लिए मनी की यूटिलिटी भी वही बने रहना चाहिए, मतलब आपके लिए मनी का कोई मैटर नहीं है कि ठीक है चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऐसा बहुत सारे अजम्पशंस को साथ में लेकर के चलना है। मैं एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप कॉन्स्टेंटली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। खैर तो हम इसको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। तो शेड्यूल यदि हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने आपको आपको पहला गुलाब जामुन आपको मिला, तो पहला गुलाब जामुन आपको मिला, आपको उसको खाने की बहुत इच्छा है और उसको हम यूटिल्स में जो है उसको कन्वर्ट कर देते। मान लेते हैं कि आपको खाने की जो इच्छा है उसको मैंने 10 नंबर दे दिया, ठीक। दूसरा गुलाब जामुन जो है वो आपको खाने की इच्छा कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने उसको 8 नंबर दे दिया। तीसरा गुलाब जामुन खाने की आपकी इच्छा क्या होगी, और कम होगी, तो मैंने उसको और कम नंबर दे दिया। चौथा गुलाब जामुन खाने की इच्छा आपकी और कम होगी, मैंने दे दिया। पाँचवा गुलाब जामुन खाने की आपकी इच्छा, मान लेता हूँ मैं तो बिल्कुल ही नहीं, बस यार चार गुलाब जामुन खा लिए बहुत यार बहुत बस, तो आपकी जो पांचवा गुलाब जामुन खाने की इच्छा जो है पांचवे नंबर की बात कर रहा हूँ, पांचवे की जो है वो क्या हो गया, इच्छा आपकी जीरो हो गई। छठे में आपकी इच्छा क्या है, बस 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 प्रभु माफ करो नहीं खाना, -2, राइट है। फिर तो ये आपने मार्जिनल यूटिलिटी आ गई, क्लियर है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं आपकी जो खाने की जो इच्छा है वो कम होते जा रही है। अब इसी बात को यदि हम एक ग्राफ पर प्लॉट करें तो फर्स्ट पर 10 है, देखो फर्स्ट पर 10 है तो मैंने यहाँ 10 पर एक पॉइंट बना दिया। सेकंड पर कितनी 8 है तो सेकंड पर 8 है तो मैंने सेकंड पर जो है बना दिया। थर्ड पर कितनी 6 है, बोले थर्ड पर 6 है तो ये मैंने 6, तो यहाँ थर्ड पर 6 है तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। 2 पर 8 है तो 2 यहाँ पर है, ठीक है। 4 पर कितनी है, 4 है तो 4 पर 4 है तो ये मैंने यहाँ पर 4 पर 4 इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए, लगभग यहाँ हो रहा है, ठीक, तो मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया। फिर 5 पर कितनी है, 5 पर बोले कि भैया 5 पर जो है वो 0 ही हो गई है तो 5 पर 0 कर दिया,
ठीक है। फिर सिक्स पर कितनी है, माइनस टू है, सिक्स पर जो है माइनस टू है, तो यहाँ पर मैंने माइनस टू लिख दिया, तो सिक्स पर जो है वो माइनस टू है, माइनस टू। यानी कि आप लगभग मोटे मोटे तौर पर यदि आप एक कर्व बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का जाएगा। ये फिफ्थ वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा समझ जाना आप लोग, एडजस्ट करना। यदि आप कॉपी बनाएंगे या स्केल यूज करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएगा। फोर पर, हाँ ठीक है, फोर पर ये हो गया और फिर पर ये हो गया। अब ये क्या बन गया आपका, इसको बोलेंगे आप एमयू कर्व, क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये कर्व बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, ये कंजम्पशन है, आप कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन, जैसे जैसे आप किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक लेवल पर आकर के जो है वो जीरो हो जाएगी, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ सैटिएटी भी बोलते हैं इसको, जहाँ पर ये जीरो हो जाती है। ठीक, अब यदि इसको देखिए, एक गुलाब जामुन खाने में और चार खाने में ओवरऑल तो हमें यूटिलिटी ज़्यादा ही मिली ना भाई। जैसे मान लीजिए आप भूखे हैं पड़े हुए थे, तो आप चार गुलाब जामुन खा लीजिए तो आपकी संतुष्टि तो ज़्यादा होगी। वो संतुष्टि में जो आपको सेटिस्फेक्शन जो है उसका रेट भले कम कम हुआ हो, लेकिन चार खाने में टोटल तो ज़्यादा ही आएगा। तो अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं, दस, दस और आठ कितने हो गए, अठारह, अठारह और छः चौबीस, चौबीस और दस अट्ठाईस, चौबीस और चार अट्ठाईस, अट्ठाईस और जीरो हो गया वापस अट्ठाईस, फिर ये हो गया आपका 26, मतलब माइनस में आ गया। तो अब यदि आप इसको भी प्लॉट करते हैं तो आप देखें कि ये स्टार्ट तो यहीं से होगा 10 से, पर लेकिन ये फिर 18 पर आ जाएगा, तो 18 का आना चाहिए, 18 तो काफ़ी ऊपर आएगा। तो मैं इसको है ना सीधे सीधे एक बात बताता हूँ आपको कि ये जब तक जीरो ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी, तब तक तो ये क्या होगा, तब तक तो आपका जो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा। देखिए यहाँ तक बढ़ता रहेगा और इस पॉइंट के बाद में क्या होने लग जाएगा, ये नीचे जाने लग जाएगा। तो आप एक अंदाज मारे कर्व बना दें कि ये तब तक तो बढ़ता रहेगा और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये डिक्लाइन हो जाएगा। तो ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है ये कैसा रहेगा, ये जहाँ तक पॉइंट ऑफ सैटिएटी आ जाता है तब तक तो ये इंक्रीज रहेगा, और जब यहाँ पर ये जीरो हो गया वहाँ पर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो आपने मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आपने एक कर्व शेड्यूल बनाया, फिर कर्व के थ्रू आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इसमें दो चार चीज़ें और भी ले सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में जो रिलेशन है वो क्या है, कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन नेगेटिव टोटल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक, तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में जो है रिलेशन है। अब ये इसके बेसिस पे आप इसके पहले वाला जो टॉपिक है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उसको भी आप यहाँ से मन समझिए कि आपने समझा दिया रिलेशन में यही रहेगा। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज दैट एज वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाते हैं हमें उससे मिलने वाली संतुष्टि, हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक, तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी उस अकॉर्डिंग क्या होगा, इससे हम क्या आइडिया लगाना चाह रहे हैं, उससे हम ये आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि कंज्यूमर हमारी, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हमारी कितनी यूनिट खरीद सकता है, ऑन एन एवरेज कितने खरीदेगा। ठीक है, गुलाब जामुन टाइप का हमारा ही कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम बर्गर है, हम बर्गर पर डिस्काउंट देना चाहते हैं, भाई दूसरा लोगे तो डिस्काउंट देंगे, तीसरा लोगे तो डिस्काउंट देंगे, तो हम कितने तक बर्गर हैं उस पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं। देखिए, आपको एक बेसिक थ्योरी मिल रही है, इस बेसिक थ्योरी के बेसिस पर आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। खैर, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या है। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, यदि आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।